गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय जय राधारमण हरि गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय राधारमण हरि गोविंद जय वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्यास्य कमलगल्तम वाग्मय ममतम जगत्पिबति विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षतम श्रीकृष्णाक्षं परम धाम जगद्धाम नमामि तत् हृदि यस्य प्रेरणया प्रवर्तितोऽहं बराकरूपोऽपि तस्य हरेः पदकमलं वंदे श्रीचैतन्यदेवस्य वंदेहं श्रीगुरुर्श्रीपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललता श्री विशाखान्वितांश्च आजान लंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वंभरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वंदे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येनो तस्मै श्रीगुरवे नमः अनर्पितचरिञ्चराकरुणयावतीर्ण कलौ समर्पयतमुन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियं हरिपुरटसुन्दरद्युतिकदम्ब सन्दीपितः सदा हृदयकन्दरे स्फुरतवश्यचीनन्दनः जयतां स्वरतौर्पङ्गो मो मन्दमतेर्गति मत्सर्वस्वपदाम्भोजौ श्रीराधामदनमोहनौ दिव्यवृन्दारण्यकल्पद्रुमाधः श्रीमद् रत्नागार रत्न सिंहासनस्थौ श्रीमद् राधा श्री गोविंद देवौ पेष्ठाली भी सेव्यमानौ स्मरामि श्रीमान् रास रसारम्भी वंशी वटतटस्थितः कर्षन वेणु स्वनैर् गोपी गोपीनाथ श्रीयोन स्तुनः आददान स्त्रणं दन्तै इदं याचे पुनः पुनः श्रीमद्रूप पदाम्भोज धूलिस्यां जन्म जन्मनि वांछाकलुभ्य कृपा सिंधुभ्य पत्ता पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभो करुणाबुराशे हे रूप दुर्गति जनैक दयावलोको हे भक्ति उपम सुमते रघुनाथ दास श्री जीव मे कुरुत मंद मतेर दयांद्रा तुलसी काननम यत्र यत्र पद्म बनाने च पुराण पठनम यत्र तत्र सन्निहितो हरि बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम मंगल श्रीमद विदग्ध माधव नाटक श्री विदग्ध माधव नाटक श्री 18वां श्लोक पिछले प्रसंग में वहां कराए थे। प्रसंग ये चल रहा था श्री भूप गोस्वामी पाद दर्शन करा रहे हैं कि श्री
ललता विशाखा श्री जब कह रही हैं कि ये वंशी ऐसी है, वंशी किशोरी जी नचुराली, श्याम सुंदर ने प्रिया आदि ने मान धारण किया उस समय, पुष्पांजलि श्याम सुंदर ने प्रिया जी को जो समर्पित की, उसके साथ में उनके हाथ में लगी हुई वंशी, वो भी फूलों के साथ में शिव किशोरी जी की झोली में पहुंच गई और प्रिया ने उस वंशी को चुरा लिया। ये पूर्व प्रसंग चल रहा था। प्रिया ने उस वंशी को तुरंत ही छिपा लिया और छिपा करके जब उस वंशी के साथ में फिर खेल कर रही हैं, श्री विशाखा उस समय कह रही हैं कि अरे ये वंशी ऐसी अद्भुत है कि ये यदि इस वंशी को हवा के रुख में कर दिया जाए तो ये वंशी अपने आप बज उठती है। शिवप्रिया कुतूहल वश उस वंशी को जो हवा के रुख में करती है सोई वो वंशी अपने रूप से बज उठती है, मानो श्री राधा राधा ये गायन करने लगती है और उस आवाज को सुनकर के तुरंत ही जटला आ जाती है और जटला आकर के क्रोध करती हुई कह रही है कि अरे ये वंशी यहां कैसे आ गई, वंशी यहां कैसे आ गई। ध्यान रहे श्री जटला ये अभिमन्यु गोप की माता है और ये मुखरा श्री राधा रानी की जो नानी है उनकी सहेली है, वहां विराजमान है। तो जटला जो है वो जटला वहां पर आ जाती है। जटला अभिमन्यु की माता है, जटला और कुटला ये दो बहन हैं। कुटला की लड़की का नाम है सारंगी, छोटी सी बालिका है, और ये जटला कुटला ये दोनों की दोनों बहने हैं। श्री राजा विश्वानंदिनी की ये सास मंदी गोपी है। किशोरी जी मानती नहीं है इनको सास अपनी, सास को मानती है यशोदा जी को, परंतु शुष्क मन में ये गोपी हैं, व्यवहार में सब लोग इनको सास समझते हैं। तो जटला आ गई और जटला ने उस समय श्री राधिका के हाथ में जो वंशी देखी तो एकदम क्रोध करते हुए उस वंशी को छीन लिया और कहा लो अब तो मेरे पास में प्रमाण आ गया, मैं सारी ग्राम की जितनी भी प्रमुख गोपी हैं पंच गोपी उन सब पंचायत के बीच में ले जाकर के ये कहूंगी कि इस नंद के लाला को रोको, ये बड़ा ढीठ है और मेरी बधु एकमात्र पतिव्रताओं में कुत्सा से रहित होकर के विराजमान थी, आज ये मेरी बधु को भी दूषण लगाना चाहता है। ऐसा कहकर के वो जटला जो बाधा उत्पन्न करने के लिए पधारी, परंतु एक बदरिया वृंदा जी ने सिखा पढ़ा करके जादू करके वृंदावन के जितने भी पशु पक्षी हैं सब वृंदा जी के अधीन है, तो वृंदा जी ने जादू करके एक बदरिया को जटला के घर में भेज दिया और वो जटला के घर में जाकर के जो माखन खाने लगी बदरिया, तो किसी ने ये कहा कि अरे जटला तेरे घर में बदरिया घुस गई, बदरिया घुस गई। और जटला जब जा रही है, जटला कह रही है सुवल से, बेटा सुवल तू हटा दे, वरना मुझे वो डर लगे, वो बदरिया जो है वो इतनी ढीठ है कि वो विशाल से केवल डरती है और किसी से भी डरती है, मैं विशाल को बुला करके लाता हूं और विशाल को भेजता हूं। ऐसा कहकर के श्री सुवल निकल गए और इधर सुबल और श्री वृंदा देवी ये दोनों रास्ते में मिले हैं। वृंदा देवी ने एक तमाशा किया कि वो बदरिया जब घुसी थी
तो जदला ने उस बदरिया को भगाने के लिए हाथ में और कुछ था नहीं, वो बंशी थी, बंशी खींच करके जो बदरिया के ऊपर मारी, बदरिया ने पट बंशी को लपक लिया और लपक करके पेड़ के ऊपर जाकर के बैठ गई। और श्री वृंदा देवी जी ने बोला आजा आजा, और वृंदा देवी जी को उस बंशी को उसने सौंप दिया। वृंदा के पास में वो बंशी पहुंच गई। अब वृंदा उस समय सोहल से मिल रही है और सोहल से कह रही है कि चलो बंशी अपने हाथ में लग गई है, ये बढ़िया मौका है, अब अपन श्याम सुंदर से हंसी करते हैं। प्रसंग को समझ लेना चाहिए, पर आगे का प्रसंग समझ में आएगा कि अपन वृंदा श्याम सुंदर से और एक कौतूहल करते हैं। तो वृंदा को तो बना दिया है उस समय ललता और श्री सोहल उनकी उन्हार है श्री कृष्ण। सो आज ललता और कृष्ण नहीं, ललता और राधिका, सोहल जो है उनकी उन्हार राधा रानी से बहुत मिलती है, तो सोहल को तो राधा रानी का वेश धारण करा दिया और वृंदा जो है वो बन गई है राधा रानी के साथ में ललता, ललता का वेश धारण करके। और ये दोनों की दोनों उस समय श्याम सुंदर की तरफ से होकर के निकली। और इधर श्री श्याम सुंदर अर्णमासी जी से मिलकर के बड़े व्याकुल होकर के बैठे हैं और श्री श्याम सुंदर की विरहमयी दशा है। और उधर से दूर से आते हुए वे वृंदा वेशधारी ललता और राधिका वेशधारी सुमन इन दोनों का दर्शन करेंगे। और आगे तमाशा भी होगा कि जटला इनको ही ललता और राधिका समझ करके जब पकड़ेंगे तो सुवल पाक अपना घूंघट ऊंचा कर देंगे और ताली बजा करके हा हा करके अंगूठा दिखा करके भाग जाएंगे। बोले हम तो अपने खेल कर रहे थे। और जितनी भी वृद्धा गोपी है वे सब जटला को ही दंड देगी कि तू जबरदस्ती श्याम सुंदर को दोष लगाती है, कृष्ण को दोष लगाती है। तो ये आगे की लीला बड़ी अद्भुत होने वाली है। तो श्याम सुंदर इधर विरह में बैठे हैं और श्री वृंदा और सुमन ये दोनों वेश बदल करके वहां वृंदावन में विचरण कर रहे हैं। राधिका का और ललता का वेश बना करके वृंदावन में विचरण कर रहे हैं। श्री कृष्ण मधुमंगल के साथ में बैठे हुए हैं और व्याकुल होकर के कह रहे हैं कि अरे भैया मधुमंगल, 18वां श्लोक देखें कि राधा पुरस्फुरति पश्चिम तश्च राधा, राधाधि सव्यम इह दक्षिण तश्च राधा, राधा खलु क्षति तले गगने च राधा, राधा मई मम बभू कुतस्त्र लोकी। बोले आहा देखो राधा पुरस्फुरति, श्री राधिका ही मेरे सामने मुझे दिख रही है, आगे देखता हूं तो श्री राधिका दिखती है, पश्चिम तश्च राधा पीछे देखता हूं तब भी मुझे श्री राधिका ही दिखती है, प्यारी राधिका ही दिख रही है, राधादि सभ्यम यदि बाई ओर देखती हूं तो मुझे प्यारी राधिका ही दिखती है, और दक्षिण तश्च राधा दाहिनी ओर देखती हूं तब भी मुझे राधा ही दिखती है। राधा क्षति तले पृथ्वी की ओर देखता हूं तो मुझे पृथ्वी में भी श्री राधिका की छवि ही दिखती है, और गगने च राधा आकाश में देखता हूं तो आकाश में भी श्री राधिका ही दिखती है। मालूम होता है, ऐसा लगता है कि राधा मई मम बभुव कुतस्त्र लोकी। ये क्या आश्चर्य हो रहा है भैया मधुमंगल कि जिधर देखता हूं उधर राधिका ही क्यों दिखाई देती, ये क्या आश्चर्य हो रहा है। तो कुतस्त्र लोकी कैसे तीनों लोक राधामय हो गए हैं। मधुमंगल कह रहे हैं कि प्रिय वैश्य भगवत्या अभिसारिताम इदानी में प्रेक्षिष्य से राधिकाम, घबराओ मत घबराओ मत, तुम जो कल्पना में सब जगह राधा राधा देख रहे हो अब तुम भगवती के पौर्णमासी जी के द्वारा अभिसार कराई गई श्री राधिका का जल्दी ही दर्शन करोगे। पौर्णमासी जी गई है और पौर्णमासी जी
जल्दी ही श्री राधिका को यहां अभिसार कराएंगे, इसे चिंता मत करो। मित्र धैर्य धारण कर, धैर्य धारण कर, राधिका अभी अभिसार करके आती होंगी। और श्री कृष्ण उस समय श्री किशोरी जी की ध्यान में कल्पना कर रहे हैं कि आहा श्री राधिका आ रही होंगी, कैसी सुंदर उनकी शोभा होगी। और उसका कल्पना में दर्शन कर रहे हैं कि करेणांतस्तुष्टा सललितम अवष्टभि ललता करांगुष्ठम राधा भृशम अभिसदंती सरभसम किमद्यस्मेराक्षी स्मर परमरोल्लास भलय ध्वनिर्माम निर्मास्यति अनुपम चमत्कार चतुलम। के करेणांतस्तुष्टा सललितम अवष्टभि ललता करांगुष्ठम अंतस्तुष्टा श्री राधिका अहा मुझसे मिलने के लिए आ रही हैं, मिलन के अत्यंत उत्साह में मनी मन में अपूर्व रूप से संतुष्ट होती हुई वे श्री प्रिया सललितम अपूर्व शोभा में स्वरूप के द्वारा, ललित स्वरूप के द्वारा। ललित उसे कहते हैं जो सर्व काल में सुखावा हो, वो मधुर है। और जहां भंगिमाओं के द्वारा कोई हृदय के भाव को प्रकट कर दिया जाए उसका नाम है ललित। तो क्षण क्षण में जो रमणीयता को प्राप्त हो उसका नाम है क्षण क्षण नवता रूपयती तदेव रूपम रमणीयता, उसका नाम है रमणीयता। क्षण क्षण में जो नवीन हो उसका नाम है रमणी। जो सर्व काल में सुखावा हो उसका नाम है मधुर। जहां बिंब के चारों ओर अपूर्व लहर प्राप्त होती हो, जैसे सच्चे मोती के चारों ओर पानी की सी लहर दिखती है, उसकी पहचान है समुद्र शास्त्र में। इसी प्रकार जहां श्रीअंग के चारों अपूर्व लहर और एक जो तेज पुंज है वो अपूर्व रूप से दिखे, उसका नाम है लावण्य। और जहां स्वाभाविक रूप में भी श्री हस्त ग्रीवा भौं मुस्कान उनका थोड़ा सा भी चंचलता हो, उनमें थोड़ी सी भी गति आए और उस गति के द्वारा हृदय का कोई भाव केवल इशारे के द्वारा प्रकट कर दिया जाए, उसका नाम है ललित। तो ललित एक पारभाषिक शब्द है और ललित का तात्पर्य है भ्रू स्मित ग्रीवा हस्त और कटि, इनकी भंगिमाओं के द्वारा जहां हृदय के किसी भाव को प्रस्तुत कर दिया जाए उसका नाम है ललित। सो आज श्री राधिका के श्री राधिका करेण अंतस्तुष्टया श्री राधिका अत्यंत अत्यंत संतुष्ट हो रही हैं और सललितम अपने हृदय के भाव को कहीं प्रकट करती हुई ललित रूप में अवष्टम्भे ललता करांगुष्ठम श्री ललता के हाथ के अंगुष्ठ को ग्रहण करके श्री प्रिया आ गई होंगी। भृशम अभिसरंती सर्वसम उड़ी हुई चली आ रही है सर्वसम श्याम सुंदर से मिलने के लिए, प्यारे से मिलने के लिए। श्री किशोरी जी जिस समय अवसार करने के लिए पधारे उस समय रसजनों ने वर्णन किया कि कहीं पक्षियों की जय हो ऐसे ध्वनि सुने, यदि ब्राह्मणों के कहीं वेद घोष को सुने, गोदी में नवजात बालक को लिए हुए किसी सधवा नारी का कभी दर्शन करें, कभी मस्तक के ऊपर दही लिए हुए कोई दधि लाने वाली दधि पात्र उसका दर्शन करें, इतने में ही अपूर्व रूप से कोई हरिण कोई सुंदर पक्षी वो जब सामने से होकर के तो यदि कोई पशु निकले मंगल में पशु तो उसका दर्शन करके ये कह रही हैं, बोले अरे सखी देख देख कैसे मंगल की बात है, आज जरूर प्यारे से मिलन होगा।
ऐसे श्री प्रिया मंगल शकुनों का दर्शन करके श्री अंग में अपने बाम अंग, बाम भुजा, बाम नेत्र इनको फड़कता उड़ता देख करके उस समय अपूर्व रूप से आनंदित हो रही हैं और कह रही हैं आज प्यारे से अवश्य ही मिलना होगा। तो ऐसा मन में विचार करके श्री प्रिया उस समय पधार रही है, तो उसी का शांत स्मरण कर रही है कि वृषम अभिसरंती सर्वसम। आज प्रिया अत्यंत वेग सहित अभिसार करती हुई जरा पधार रही होंगी कि मध्य स्मेराक्षी स्मर परमरोल्लास बलयो, मंद मुस्कान जिनके विराजमान है और स्मेराक्षी नयनों से भी हंसी जिनकी प्रकट हो रही है, नयनों के द्वारा हंसी प्रकट हो रही है। स्मर परमरोल्लास बलयो और कामदेव के अपूर्व परमल उनके कारण जो उल्लसित जिनके आभूषण स्वयं स्वर करते हुए विराजमान हो रहे हैं। स्मर की अपूर्व परिमल माने उल्लास, सुगंध उल्लास, उसके कारण जिनके आभूषण बसते हुए विराजमान हो रहे हैं। ऐसी श्री प्रिया क्या निर्मास्यति अनुपम चमत्कार चतुलम, मुझे क्या अनुपम चमत्कार प्रदान करती हुई विराजमान होंगी। कब वो अवसर होगा कि मैं उस अनुपम चमत्कार का दर्शन करती हुई करता हुआ विराजमान होऊंगा। ऐसे श्री श्याम सुंदर प्रिया का आगमन उस समय देख रहे हैं। मधुमंगल कह रहे हैं कि भो मा उत्तम हस्व, हे मित्र तुम इतने उत्कंठित मत हो, उत्कंठित मत हो। इतने में ही नेपथ्य से आवाज आती है। अभी नेपथ्य में कौन है? ठाकुर तो समझ रहे हैं कि ये ललता और श्री राधिका है, परंतु ललता राधिका नहीं है यहाँ पर, वो वृंदा और सुवल जो गए थे और उन्होंने जो वेश धारण कर लिया था, उन सुवल और वृंदा इनकी आवाज को सुनते हैं। तो नेपथ्य से आवाज आती है माने श्री सुवल राधा वेशधारी सुवल वे ललता वेशधारिणी वृंदा से कह रहे हैं। तो यहां पर श्री राधिका माने सुवल ये वृंदा से कह रही हैं, वृंदावन ललता से कह रहे हैं कि हला ललते प्रेक्ष सयेश पुन्नाग वृक्षो दृश्यते, मुझे तो ये वो ही पुन्नाग वृक्ष है क्या जिसका तू वर्णन कर रही थी, ये वो ही पुन्नाग वृक्ष मुझे मालूम पड़ता है। ऐसा कहकर के कह रही है कि सखी राधे, अब वो वृंदा की जो है वो ललता बन करके श्याम सुंदर को कहीं भ्रम में डालने के लिए और उत्तर देती हुई कह रही है। तो ये तत्वता वार्तालाप तो है, समझ गए हैं, ये समझ लेना चाहिए कि तत्वता तो ये वार्तालाप है वृंदा और सुवल के बीच में, परंतु वृंदा और सुवल ने इस समय वेश धारण कर रखा है ललता और राधिका का, और संबोधन जो कर रहे हैं वो ललता और राधा ये ही संबोधन कर रहे हैं। तो उस समय श्री ललता उत्तर देते हुए कह रही हैं, सखे राधे धृष्ट भ्रमर जल्पतम पश्चैन, इस धृष्ट भ्रमर की इस आवाज को सुन, तत्क्षणम यही उत्तिष्ठावः, इस धृष्ट भ्रमर की आवाज को सुनकर के यहां पर थोड़ी देर रहा, एक क्षण के लिए हम यहां ही बैठकर के प्रतीक्षा देखते हैं। अब धृष्ट भ्रमर कहकर के ये कहना क्या है कि ललता श्री राधिका को मान धारण करने के लिए उकसा रही है कि ये तू जिस प्यारे के पास में मिलने के लिए अत्यंत उत्सुक हो रही है, खबरदार उससे नैन मिला करके बात मत करना, अभी सखी बिल्कुल पाषाण की तरह से कठोर बन जा, श्याम सुंदर को देख करके कहीं ऐसा न हो तू पिघल जाए, इसलिए क्योंकि ये धृष्ट भ्रमर
ये चंचल रसिक जो एक एक कली के माधुर्य का आस्वादन करके तुझे सर्वदा सर्वदा वंचित करता रहा है, तेरे साथ में जो वंचना करते हुए विराजमान रहा है, इस भ्रमर के साथ में कभी मित्रता मत करना। इस दृष्ट भ्रमर के जल्पित को देख तो सही, कैसा ये तेरे प्रति खुशामत करने के लिए, तुझसे मधुपचन कहने के लिए आ जाएगा। तत्क्षण यही प्रतिष्ठा सखी मान धारण करके थोड़ा सा यही रुक जा, यही रुक जा। मधुमकर एकदम चपल होकर के कह रहे हैं कि प्रिय वैश्य बाम तक किम न पश्यसि, एषा ललितया सार्धम राधिका समागता। हे मित्र बाई ओर देख, बाई ओर देख, देख ललिता के साथ में ये श्री राधिका आ रही है, जबकि आ रही है सुवल और वृंदावन ने वेश परिवर्तन कर रखा है, वे आ रही है। तो कह रहे हैं उनको देख, ये ललिता समागता आ गई। कृष्ण उत्कंठित होकर के कहते हैं कि दृष्टिया साक्षात अद्य मम ईक्षण यो सोक्षम विस्तारियते सक्षा, बोले आहा आज साक्षात रूप से मेरी आंखों को अपूर्व सुख प्रदान कर रही है ये सखीगण, माने विशेष रूप से श्री नांदी मुखी मेरी सहयोगी बनकर के पौर्णमासी जी से मिलकर के श्री राधिका का यहाँ अभिसार कराती हुई विराजमान हो रही है। सक्षा का तात्पर्य यहाँ नांदी मुखी जी की ओर से है। श्री नांदी मुखी और वृंदा ये दो सखी हैं, दूती हैं, जो विशेष रूप से श्री प्रियालाल इनको मिलाती है। विशेष रूप से श्री वृंदा श्याम सुंदर की ओर से दंत करती है और श्री नांदी मुखी ये श्री राधिका की ओर से दौत्य करती हुई लीला में विराजमान होती है। मधुमंगल कृष्ण ऐसे जब कह रहे हैं, मधुमंगल गर्व सहित कहते हैं, बोले हाँ हाँ कस्मांद विस्तारयेतव्यं यत्राहं विदग्धो दूतोऽस्मि, अपने मुंह अपनी बड़ाई। मधुमंगल, ये मधुमंगल का स्वभाव है वो परिहास करना, जहां पर विचित्र वेश भाषा चेष्टा उनके द्वारा हास्यकारी ये विभूषक होकर के विराजमान। नाट्यशास्त्र में वर्णन किया गया है कि बसंताद्याभिलोलः भोजने कलाप्रियः बृटतांग बचो वेशई हास्यकारी विदूषका। विदूषक की परिभाषा दी गई कि वसंत आदि उसके नाम होते हैं, यहाँ पर मधुमंगल नाम है, कोई बसंत नाम है, मधुमंगल नाम है इसका, वही वसंत ऋतु से संबंध है। फिर लोलमन चंचल होता है विदुषा, फिर भोजने भोजन करने में भोजन प्रिय होता है, भोजन का भोजन में चंचल, फिर कला प्रिय कला करने वाला, फिर प्रकृत अंग बाणी वेश इनके द्वारा हास्य उत्पन्न करने वाला। तो मधुमंगल अपनी बड़ाई अपने आप ही करते हैं, बोले हाँ क्यों नहीं होगा, कस्मांद विस्तारितव्यं, क्यों नहीं ये सखी ये कार्य करेंगी, तुमको किशोरी से मिलाएंगी, क्योंकि यत्र अहम विदग्धो दूतोऽस्मि, यहां पर मैं परम विदग्ध दूत होकर के तुम्हारे साथ में हूं, तो मेरा काम तो सफल होगा ही होगा। श्री कृष्ण कह रहे हैं सखे पुरस्थयो अपि मत प्रेयो हो अव्यलिकता नाद्यापि अवधारिता, यद्यपि ये दोनों आती हुई मुझे दिख रही हैं, पुरस्थयो हो अपि मेरी आंखों के सामने ही ये दोनों दिख रही हैं, परंतु मत प्रियो अव्यलिकता, ये मेरी ही प्रिय है कि कोई और है। लगती भाव भंगिमा से तो यही है कि ये श्री ललिता और राधिका ही है, परंतु जब पास आ जाए तब पूरी पूरी पहचान होगी। श्याम सुंदर को ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि थोड़ा कहीं धोखा हो, इसलिए अभी एकदम उत्सुक नहीं होना चाहिए, जरा सा पास में आ जाए तो और देखे। नाद्या पे अवधारिता, इनकी अव्यलिकता माने सचमुच राधा ही है, ललिता ही है, ऐसा मैंने अभी भी पूरी तरह से नहीं देखा है।
जब अभ्यान्न सन्निधीयते, क्योंकि अभी मैं इनके पास में नहीं हूं, अभ्यान्न सन्निधीयते, ये हमारे संविधान में नहीं है, निकट नहीं आ रही है। मधुमंगल कह रहे हैं कि प्रीवैश्य सुष्टु प्रसन्नाम राधाम जानी ही, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत ही नहीं, मैंने पहचान लिया ये तो बिल्कुल राधा ही है। सुष्टु प्रसन्नाम राधाम जानी ही, ये बिल्कुल राधिका ही है और कोई दूसरी नहीं है, क्योंकि यह सातकान चला छादिता मुरली झलकती। देख नहीं रहे हो, मैं तो झांक झांक करके देख रहा हूं कि इन राधिका की साड़ी के छोड़ में जो बंशी है उसको इन्होंने बट करके साड़ी के छोड़ में छिपा रखा है और उसमें से बंशी छलक रही है। तो बंशी श्री राधिका को मिल गई है, तुम्हारी बंशी राधिका के पास में पहुंच गई थी और बंशी इनके पास में है, तो बंशी से ये प्रमाणित हो रहा है कि ये राधिका ही है, इसमें संदेह की बात नहीं है। तत्वता बंशी उस समय श्री वृंदा जी के हाथ में थी, वृंदा जी को बंशी मिल गई थी, बदरिया ने लाकर के बंशी को वृंदा को दे दिया था और वृंदा ने उसे अपनी साड़ी में बांध दिया था। तो ये मुरली दिख रही है, सातकांचल आच्छादिता मुरली झलकती है। श्री कृष्ण अत्यंत स्नेह में उस समय कहते हैं, विधुरे इति देवा विरूपतां शतपत्रं वत शर्वरी मुखे इतकेन सदाश्रियोज्ज्वलं तुलनाम अर्हति मत्प्रियानाम। कि आहा, मेरी जो प्रिया है उसके मुख की तुलना ये चंद्रमा कैसे कर सकता है, क्योंकि विधुरे इति देवा विरूपतां, चंद्रमा तो दिन में निस्तेज हो जाता है, विरूपता को प्राप्त कर लेता है, चंद्रमा का तेज दिन में नहीं दिखता है। और शतपत्रम बद शर्वरी मुखे, श्री राधिका के मुख की तुलना की जाती है कमल से, वो कमल से तुलना करना भी उपयुक्त नहीं है, दोनों ही उपमान यहां श्री राधिका के मुख की शोभा की तुलना में असमर्थ दिख रहे हैं, क्योंकि शतपत्र माने कमल वह रात्रि के समय वह विरूपता को प्राप्त हो जाता है, माने मुद जाता है, रात्रि में कमल की शोभा नहीं, दिन में चंद्रमा की शोभा नहीं। इतकेन सदा श्रियोल्लसम श्रियोज्वल, परंतु श्री राधिका का श्रीमुख सदा ही शोभा से उज्ज्वल होकर के विराजमान होता है, इसलिए तुलना अर्हति मत प्रियानाम, मेरे प्रिया के मुख की तुलना क्या ये चंद्रमा